कहते हैं मधुबाला को जिसने एक बार देख लिया वो कभी उनके चेहरे को नहीं भूला। उनके चेहरे का नूर, वो रंग जैसे चांदनी से मिला हो, और बाल जो अक्सर खुले रहते थे, बिखरे रहते थे, वो इतने खूबसूरत थे ऐसे लगता था जैसे वो बाल उन्हें काली रातों ने दिए हैं। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। आज किताब की कहानी मधुबाला की। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जिस भी इंसान के बारे में बताया जाता है वो पूरा बताया जाता है, और सबसे गहरी बातें इसी चैनल पर मिलती हैं आपको। डू सब्सक्राइब। मधुबाला की 36 साल की ज़िंदगी, उनके मोहब्बत के रिश्ते, उनके घर परिवार के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री से उनका नाता, इन सभी के बारे में बताऊँगी आज आपको। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुमताज़ महल, हमारी मधुबाला, बहुत प्यार से भगवान ने उन्हें 14 फरवरी, हाँ जी, वैलेंटाइंस डे वाले दिन 1933 को इस दुनिया में भेजा। पठानों की सबसे बड़ी बेटी थी और सबसे खूबसूरत भी। जिन्होंने उन्हें देखा था, हकीकत में वो कहते थे कि रंग इतना सुनहरा था उनका कि जब पान खाती थी तो पान गले से नीचे जाता हुआ दिखता था उनके, इतना सुनहरा रंग था। पेशावर पाकिस्तान के रहने वाले थे ये लोग। इनके पिता अताउल्ला खान नाम था उनका। इम्पीरियल टोबैको कंपनी पेशावर में काम करते थे ये। उस वक्त ये कंपनी ब्रिटिशर्स के अंडर थी। पठानों का गुस्सा और पठानों का एटीट्यूड, कुछ बात हुई थी, नौकरी छोड़ दी थी उन्होंने। नौकरी छोड़ने के बाद अताउल्ला खान अपने परिवार के साथ बॉम्बे आ गए थे। 11 बच्चे थे उनके। जी, मुमताज़ जहां हमारी मधुबाला के 10 और भाई बहन थे। अनफॉर्चुनेटली 5-6 साल की उम्र में उनके 5 भाई बहन नहीं रहे थे। उसके बाद मधुबाला के साथ के लिए उनकी बस 5 ही छोटी बहनें रह गई थी। बॉम्बे आके मधुबाला के पिता ने पहले तो ड्राइवर की नौकरी की, लेकिन वो पठानों का एटीट्यूड, ये नौकरी भी ज़्यादा चली नहीं। अब सोचने लगे कि किया क्या जाए। मल्लार के बैकयार्ड्स में फिल्म सिटी थी। अताउल्ला खान अपनी सबसे बड़ी बेटी, जो बेहद खूबसूरत थी, मुमताज़ जहां, उसका हाथ पकड़कर ले गए फिल्म सिटी, इस उम्मीद से कि मुमताज़ जहां, जो बहुत ही प्यारी बच्ची है, उसे कुछ काम मिलेगा और उसी पैसे से घर का खर्च चलेगा। काम मिल भी गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुमताज़ जहां को काम मिलने के लिए, काम मिल गया। 1942 में बसंत नाम था मधुबाला की पहली पिक्चर का। उसमें मधुबाला ने गाना भी गाया था। गाने के बोल थे, मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे। काफ़ी हिट हुआ था ये गाना। मधुबाला की कहानी मैं आपके लिए मंजू गुप्ता की लिखी हुई किताब मधुबाला से लाई हूँ। इसमें उनकी बहनों की कही हुई काफ़ी बातें हैं। इस किताब में मधुबाला की छोटी बहन उनके लिए कहती है, आपा जिस तरह बहती हुई गज़ल होती है ना, वैसी दिखती थी। मधुबाला को फिल्मों में काम तो मिलने लग गया था, लेकिन पैसे इतने नहीं मिल रहे थे कि पूरे परिवार का खर्च चल सके। तो अताउल्ला खान अपने परिवार को दिल्ली ले गए काम की तलाश में। लेकिन मधुबाला की किस्मत में तो लिखा था कि उनका जो टैलेंट है उसे दुनिया देखेगी। तो 1944 में अमिया चक्रवर्ती अताउल्ला खान के परिवार से मिलने दिल्ली पहुंचे। अमिया चक्रवर्ती ने मधुबाला को जवार भाटा ऑफर की। सारा परिवार दोबारा से मुंबई आ गया, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर मधुबाला। 1944 में केदार शर्मा की मुमताज़ महल में मधुबाला ने पूरी दुनिया को अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया था। मधुबाला की वो खास क्वालिटी, जिसे जो भी उनसे मिलता था वो नोटिस करता था, वो थी उनमें सीखने की क्षमता। वो हर चीज़ को सीखना चाहती थी, हर चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड रहती थी। मधुबाला के खास चाहने वालों में से थे शमी कपूर, प्रेम नाथ, लेकिन मधुबाला चाहती थी दिलीप कुमार को। लेकिन अफसोस, ये मोहब्बत की कहानी पूरी नहीं हो पाई। दिलीप कुमार भी पठान थे, मधुबाला भी पठान थी। दिलीप कुमार मधुबाला से 10 साल बड़े थे। ये रीज़न नहीं था उनकी मोहब्बत अधूरी रह जाने का। एक्टिंग की दुनिया में मधुबाला भी बहुत बड़ा नाम थी, दिलीप कुमार भी बहुत बड़ा नाम थे। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी बहुत थी। फिर ऐसा हुआ क्या कि ये मोहब्बत की कहानी अधूरी रह गई। मधुबाला ने अपना दिल सिर्फ दिलीप कुमार पे हारा था, और प्रपोज भी मधुबाला ने ही किया था दिलीप कुमार को। अपने मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू एक चिट्ठी और लाल गुलाब
दिलीप कुमार के लिए भेजा था। पहले तो वो चिट्ठी पढ़कर दिलीप कुमार बहुत हैरान हो गए थे, लेकिन वो भी मधुबाला को बहुत पसंद करने लगे थे। मधुबाला को मैरिलिन मोनरो से कंपेयर किया जाता था। एक मैगजीन ने उनकी तारीफ में ये भी लिखा था, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपरस्टार हु डजंट लिव इन बेवरली हिल्स, मधुबाला। मुमताज़ जहां जब बेबी आर्टिस्ट से ग्रेजुएट हुई तब उनका नाम मधुबाला रखा गया था। रंगों की बहुत शौकीन नहीं थी, सबसे ज्यादा उन्हें पसंद था सफेद साड़ी पहनना और बाल खुले रखना। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत की कहानी शुरू हो गई थी। ज्यादातर किसी दोस्त के घर मिलते थे या तो ड्राइव पे। मधुबाला को ना ड्राइव करने का बहुत शौक था, तो जब दिलीप कुमार और मधुबाला एक ही पिक्चर में काम कर रहे होते थे तो मधुबाला ही दिलीप कुमार को पिक किया करती थी। जब मधुबाला को काफ़ी मूवीज़ मिलने लगी थी, बहुत पैसा आ गया था, ज्वेलरी, अच्छे कपड़े, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, सभी कुछ आ गया था। इस किताब में मधुबाला की बहन बताती है कि आपा खुद गाड़ी चलाकर हमें चौपाटी ले जाया करती थी। गाड़ी चलाते हुए बुर्का पहन लेती थी। कई बार होता था कि पुलिस वाले आके रोकते थे, चलान करने के लिए बोलते थे, तो मधुबाला पुलिस वालों की खूब मिन्नतें किया करती थी कि प्लीज़ चलान करने के लिए मेरा चेहरा देखने के लिए मत कहिए, मैं चौपाटी पे घूमना चाहती हूँ, चौपाटी के मज़े लेना चाहती हूँ। अगर मैंने ये बुर्का अपने चेहरे से उठा दिया तो लोग मुझे वो मज़े करने नहीं देंगे। मधुबाला की सभी छोटी बहनें उनके लिए बहुत शुक्रगुजार है। उनका ये कहना है कि जो भी कुछ हम हैं आज सिर्फ अपनी आपा की वजह से हैं। 36 ईयर्स, 36 साल की उम्र में मधुबाला की डेथ हो गई थी। जब तक वो जिंदा रही शी वॉज द ओनली अर्निंग मेम्बर ऑफ दैट फैमिली। छोटी बहनों का पढ़ना, घर, गाड़ियाँ, महंगी चीज़ें आई तो सब मधुबाला की वजह से ही, लेकिन उनके जो पिता थे ना वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे। वो बहुत क्लियर थे अपने इंस्ट्रक्शंस में कि मधुबाला को काम करने की परमिशन सिर्फ अपने घर को चलाने के लिए और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मिली है। टाइम पर शूटिंग पर जाना और शूटिंग ख़त्म होते ही घर आ जाना। इनफैक्ट मधुबाला तो फिल्मों की किसी पार्टी या मूवी लॉन्च में भी नहीं जाया करती थी। महंगे कपड़े थे, खूबसूरत ड्रेसेस भी थी, लेकिन उन्हें पहनने का मौका नहीं था मधुबाला के पास, क्योंकि किसी पार्टी में तो वो जाती नहीं थी, तो वो उनकी अलमारी में पीछे अंधेरे में ढके थे। इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए मधुबाला में कभी भी अपने पिता को लेके गुस्सा नहीं दिखा। एटलीस्ट इस किताब को पढ़कर तो ऐसा लगता है कि उन्हें कोई हर्ज नहीं था इन रिस्ट्रिक्शंस का। मधुबाला के क्रेज़ का एक ये भी कारण था कि प्रेस उन्हें जानती ही नहीं थी, किसी पार्टीज़ में तो वो मिलती नहीं थी, और जो कुछ थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ हुए भी वो भी घर में ही होते थे। वैसे तो मधुबाला बहुत वेल बिहेव्ड गर्ल थी, लेकिन एक बार ऐसा हो गया था कि पूरी की पूरी प्रेस उनके अगेंस्ट हो गई थी। हुआ ये था कि मुंबई में एक शूटिंग थी उनकी, उस शूटिंग के लिए उन्हें कमर जितने पानी में उतरना था मुंबई की सड़कों में। मधुबाला को ना एक चीज़ का वहम था, बहुत सेंसिटिव स्किन थी उनकी, ज़रा सा छूने पे नील आ जाते थे, एक्ने आ जाते थे, और भाई हीरोइन भी थी वो, बहुत खूबसूरत थी, तो अपनी स्किन को लेके बहुत प्रोटेक्टिव थी वो। मुंबई में फ्लोरा फाउंटेन्स के पास एक कुआं था। मधुबाला का ये यकीन था कि बस उसी कुएं के पानी से नहाना और उस पानी को पीना उनके लिए ठीक है, और अगर कहीं और के भी पानी से वो नहाएंगी या पिएंगी तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब जब शूटिंग के लिए मुंबई की सड़कों पे कमर तक पानी में उतरना था, मधुबाला ने एक शर्त रख दी, मैं पानी में चली तो जाऊंगी, लेकिन उसके बाद जब मुझे नहाना है तो फ्लोरा फाउंटेन से ही पानी आएगा, या तो मेरे घर से लेके आइए। इस बात पर उस मूवी के डायरेक्टर इतने नाराज़ हो गए थे कि 4 दिन तक शूटिंग पर नहीं आए थे। मधुबाला की गाड़ी को उनकी गाड़ी का पीछा करना पड़ा। मधुबाला ने उनसे माफ़ी मांगी, फिर दोबारा से शूटिंग स्टार्ट हुई। दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दिलीप कुमार मधुबाला के घर भी आया करते थे। मधुबाला की सभी बहनें उन्हें बहुत पसंद करती थी। दिलीप कुमार से मधुबाला को बहुत प्यार था। एक बार की बात है, शूटिंग चल रही थी, दिलीप कुमार के छोटे भाई मधुबाला के पास आए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया कि आपा आपकी गाड़ी बहुत शानदार है। उसी वक्त मधुबाला ने दिलीप कुमार के छोटे भाई को गाड़ी की चाबी दी और कहा, जाओ एक ड्राइव ले आओ। यहाँ तक कि दिलीप कुमार के नाम से बहुत लोग मधुबाला के पास जाया करते थे, दिलीप कुमार का नाम लेके मधुबाला से पैसे मांगा करते थे।
मधुबाला पैसे दे दिया करती थी। बहुत लोगों ने उन्हें कहा कि तुम्हें पता है वो झूठ बोल के तुमसे पैसे लेके गया है। मधुबाला का कहना था कि दिलीप साहब का नाम लिया ना, बस काफ़ी है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ये मोहब्बत की कहानी पूरी क्यों नहीं हो पाई? इसकी दो साइड्स हैं। पहली साइड दिलीप कुमार की और दूसरी मधुबाला की बहन की। ये दोनों साइड्स आपको बताती हूँ। दिलीप कुमार की साइड की कहानी है। एक दिन स्टूडियोज़ में कमरे में दिलीप साहब थे और मधुबाला। दिलीप साहब बार बार मधुबाला को कह रहे थे, मेरे साथ चलो, मैंने काजी का इंतज़ाम कर दिया है, आज ही तुमसे शादी करूँगा। मधुबाला बस रोते जा रही थी। मधुबाला के इन आंसुओं के पीछे की वजह थी दिलीप साहब की ये शर्त कि शादी के बाद मधुबाला अपने पिता से किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखेगी। मधुबाला को अपनी जिम्मेवारियों का एहसास था। वो जानती थी कि उनके पूरे परिवार की जिम्मेवारी उन पर है। अब इसका दूसरा वर्जन, मधुबाला की बहन का वर्जन। वो कहती है कि ऐसा नहीं था कि अब्बा आपा का निकाह नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन दिलीप भाईजान उन्हें खास पसंद नहीं थे। एक मूवी की शूटिंग थी, आउटडोर शूटिंग, और ये शूटिंग दिलीप भाईजान के साथ थी। अब्बा शूटिंग का एडवांस ले चुके थे और आपा को शूटिंग पर भेजना नहीं चाहते थे और पैसे भी वापस नहीं देना चाहते थे। उस पिक्चर के प्रोड्यूसर ने मधुबाला और मधुबाला के पिता पर केस कर दिया। इस केस में एविडेंस दिलीप कुमार ने दी। कहते हैं कि कोर्ट में दिलीप कुमार बहुत भड़के मधुबाला के पिता के ऊपर। मधुबाला बहुत रोई और अपने वकील से पूछा कि क्या ये वही दिलीप है जिससे मैंने बहुत प्यार किया है। दिलीप कुमार के वर्जन में ये भी है कि ऐसा नहीं था कि मधुबाला के पिता अताउल्ला खान उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन अताउल्ला खान ने एक शर्त रखी थी। वो एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना चाहते थे और उनकी ये शर्त थी कि निकाह के बाद मधुबाला और दिलीप कुमार सिर्फ उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए ही काम करेंगे। ये बात दिलीप कुमार को बिल्कुल गवारा नहीं थी। अभी तो दिलीप कुमार का सफ़र सितारों तक था, वो कैसे सिर्फ एक ही प्रोडक्शन हाउस में सीमित हो जाते, और वो भी अताउल्ला खान का प्रोडक्शन हाउस जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच की मोहब्बत 90% यहीं पे ख़त्म हो गई थी। 10% जो मोहब्बत बची थी वो मधुबाला के मन में ही थी। एक बार की बात है, एक जर्नलिस्ट मधुबाला के घर गए इंटरव्यू के लिए। वो दिलीप कुमार को भी जानते थे। उन्होंने ये सवाल पूछ लिया, क्या तुम्हारे और दिलीप के बीच में अभी भी कुछ है? रोते हुए मधुबाला ने अपना सर उस जर्नलिस्ट के कंधे पर रख दिया था और उससे कहा था कि यूसुफ से जाके पूछो, क्या वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता? दिलीप कुमार को मधुबाला पर बहुत गुस्सा था और गुस्से से बड़ी उनकी ईगो थी। उनके लिए ये मोहब्बत ख़त्म हो चुकी थी। मधुबाला का मन टूट चुका था। मधुबाला की बहन कहती है कि जिस दिन मधुबाला को ये पता चला कि यूसुफ भाईजान की शादी हो रही है, वो बिल्कुल टूट गई थी। लेकिन मधुबाला ने यह कहा कि सायरा बानो एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं खुश हूँ यूसुफ के लिए। मधुबाला की शादी तो एक रीबाउंड थी, इस बात को वो भी जानती थी और उनके सारे जानने वाले भी। किशोर कुमार के साथ शादी की थी मधुबाला ने। शायद वो ये बताना चाहती थी कि वो जिस भी लड़के को चाहे उसे पा सकती हैं। इस शादी ने मधुबाला को दर्द के सिवा और कुछ नहीं दिया। किताब में मधुबाला की बहन कहती है कि आपा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। शादी से पहले अब्बा ने बार बार किशोर कुमार को कहा कि हमें मधुबाला को अमेरिका ले जाना है इलाज के लिए, वो ठीक हो जाए फिर तुम शादी कर लेना। किशोर कुमार ने ये बात नहीं मानी। शायद उन्हें मधुबाला की बीमारी सीरियस लगी ही नहीं। उन्होंने पहले शादी की और फिर मधुबाला को अमेरिका लेके गए इलाज के लिए। मधुबाला और किशोर कुमार जब अमेरिका से वापस आए तो ये शादी बदल चुकी थी। डॉक्टर्स ने वहाँ पे किशोर कुमार को बताया कि मधुबाला के पास शायद अब 2 साल ही है। इसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को उनके अब्बा के घर छोड़ दिया। रीज़न ये दिया कि किशोर कुमार अपनी शूटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, मधुबाला को इस वक्त केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, घर पर उनकी ज़्यादा अच्छी केयर होगी। मधुबाला की छोटी बहन बताती है कि उस वक्त उन्होंने, मधुबाला की फैमिली ने किशोर कुमार को ये भी सजेस्ट किया कि उनकी आपा को उसके पति की ज़रूरत है, आप एक नर्स रख लीजिए पर आपा के साथ रहिए। किशोर कुमार ने मना कर दिया।
कहा कि वो बहुत बिजी हैं, ध्यान नहीं रख पाएंगे। उन लोगों को ही मधुबाला का ध्यान रखना होगा। मधुबाला की घर वापसी की स्टोरी का एक वर्जन ये भी है कि किशोर कुमार का जो घर था वो एयरपोर्ट के पास था। प्लेन्स की इतनी आवाज़ होती थी कि मधुबाला सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए वो अपने पिता के घर आ गई थी। बहुत सारी बातें हैं, जितनी मुझे पता है दो वर्जन्स वो मैंने आपको बता दी। मधुबाला की ट्रांसल्यूसेंट स्किन के पीछे उनकी बीमारी थी, उन्हें VSD था, दिल में छेद कहते हैं इसे। 1954 में SS वसंत की छलक मूवी की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने खून की उल्टी की थी। कहते हैं 1933 में 14 फरवरी जब मधुबाला का जन्म हुआ था तो उनके घर में एक सूफी नजूमी आए थे। उन्होंने मधुबाला को देख के कहा था कि इस बच्चे की किस्मत आसमान छुएगी, लेकिन इसकी उम्र लंबी नहीं होगी। February 23, 1969 मधुबाला ने अपनी आखिरी सांस ली। अपनी डेथ से पहले मधुबाला काफ़ी टाइम के लिए बेडरिडन रही, लेकिन उससे पहले एक्टिंग का बार इतना हाई कर दिया था उन्होंने कि सालों तक हीरोइंस को उसे टच करना भी मुश्किल हुआ। इनफैक्ट आज भी मुगले आज़म की बात कर लीजिए, कितनी खूबसूरत अदाकारी है उसमें। उसमें डायरेक्टर ने कैश किया था दिलीप कुमार और मधुबाला के टूटे हुए रिश्ते को। मूवी में एक सीन था, होठों में पंख दबाकर दोनों को बहुत करीब आना था, मधुबाला और दिलीप कुमार को। दोनों एक्टर्स ने इसे बहुत प्रोफेशनली, बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। कहते हैं कि इस मूवी के दौरान दिलीप कुमार को अक्सर गुस्सा आ जाता था, एजिटेटेड हो जाते थे वो, लेकिन मधुबाला बिल्कुल शांत रहती थी और बड़े ही प्रोफेशनली उन्होंने इस मूवी को कंप्लीट किया। मुगले आज़म मधुबाला के लिए वैसे भी बहुत मुश्किल थी, उन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। और मूवी में एक सीन था जब मधुबाला को मोटी मोटी लोहे की चेन से बांधकर खींचकर आगे लेके जाते हैं। इस सीन के कई बार रीटेक हुए। मधुबाला की स्किन पहले ही बहुत सेंसिटिव थी और पतली भी थी। बिना कुछ बोले मधुबाला ने बार बार रीटेक दिए। कहते हैं कि इस मूवी के ख़त्म होने के बाद मधुबाला कितने दिन बिस्तर पर रही, उनके शरीर पर बहुत नील पड़ गए थे और कितनी जगहों से तो कट गई थी। इस पिक्चर में एक और सीन था जिसमें तकरीबन 100 मीटर मधुबाला को भागना था, लेकिन दिल में छेद था उनके, इतनी एग्जर्शन कर नहीं पाती थी। उस सीन के बाद फेंट हो गई थी वो, इतना थक जाती थी कि खाना नहीं खा पाती थी। जब खाना नहीं खाती थी तो कहती थी कोई बात नहीं, अनारकली के चेहरे पे वो दर्द दिखना चाहिए। ये प्रोफेशनलिज्म था मधुबाला का। मधुबाला के आखिरी शब्द, अल्लाह मैं मरना नहीं चाहती। जब मधुबाला की मृत्यु हुई तो दिलीप कुमार बैंगलोर में शूटिंग कर रहे थे, एकदम फ्लाइट लेकर बॉम्बे आए और कब्रिस्तान गए। मुसलमानों में डेथ के बाद जो रस्में होती हैं, मधुबाला की डेथ के बाद 3 दिन तक उनके घर खाना यूसुफ खान के घर से ही गया था। ये थी एक्सक्लूसिव मधुबाला आपके लिए, उनके दर्द, उनके मोहब्बत, उनकी खूबसूरती का राज, सब कुछ। ये चैनल बहुत मज़ेदार है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ।